दो मिनट खा लूँ। नमस्कार दोस्तों, कोरोना से ठीक होने के बाद बहुत दिनों बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेरा मानना ये था कि कोशिश ये करें कि किसी की बुराई ना की जाए, सिर्फ पॉजिटिव बातें की जाएं और देश को किसी तरीके से कोरोना से निकाला जाए। मगर आज बहुत कष्ट के कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इस वक्त जो देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसमें जितने लोगों की जान गई, बुजुर्गों की जान गई, नौजवानों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, सरकारी आंकड़े तो आपको अस्पतालों में मरने वाले लोगों की गिनती दे रहे हैं, जो लोग घर में, गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के दूर दराज के कस्बों में, गांव में मारे जा रहे हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। बीमार होने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं है। उनमें से अधिकतर तो को ये भी नहीं पता, उनको खुद नहीं पता कि उनको कोरोना हो रहा है। ये हालत है कि लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को लाशों को दफनाना पड़ रहा है। गंगा किनारे लाशें दफनाई भी दिख रही हैं, लाशों को गंगा में बहाया जा रहा है। ये हालत हो गई आज कोरोना की। और जब भी किसी की मृत्यु का संदेश आता है, हम लोग लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, कॉन्डोलेंसेस, बट ये शब्द बहुत खोखले हो गए हैं। लिखते हुए भी शर्म आने लगी है कि ये जो शब्द हम लिख रहे हैं, क्योंकि जिस माँ का जवान बेटा गुजरता है उस माँ का दुख हम समझ नहीं सकते, कोई नहीं समझ सकता है। जिस बाप की बेटी अपने नाती नातिन को छोड़ के गुजर गई, उस बाप का दुख कोई नहीं समझ सकता। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका बाप गुजर गया, माँ गुजर गई, माँ बाप दोनों गुजर गए, उन बच्चों की पूरी जिंदगी पे जो असर है वो हम नहीं समझ सकते, ना उसको हम वापस ला सकते। जवान जवान बच्चे, उनकी ईएमआई कौन भरेगा, ये प्रश्न आज भी खड़े हुए हैं। तीन तीन बहनें छोड़ के जवान भाई गुजर गए, उन बहनों की शादी कौन करेगा, वो प्रश्न उन परिवारों में खड़े हुए हैं। माँ बाप के जवान बच्चे गुजर गए, अब क्या होगा उस परिवार का, ये प्रश्न आज हमारे सामने है। और सबसे बड़ा कष्ट जिस कारण मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ वो ये है कि इसमें से ज्यादातर मौतों को अगर आप आकलन करें, आप अड़ोस पड़ोस में पूछें, आप अस्पताल में डॉक्टर से पूछें, किसी भी कॉलोनी का आप आकलन कर लें, ज्यादातर मौतें वो हैं जो 45 साल से कम उम्र के लोगों की हैं। बुजुर्ग भी मर रहे हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका वो है जिनकी मृत्यु हुई है। मैं समझता हूं कि करीब 95% लोग, या हो सकता है 99% लोग वो हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोजेज नहीं मिल पाई। जो लोग यहाँ वैक्सीनेट नहीं हो पाए उनको जो है उनकी मृत्यु हो रही है, वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। और अभी थर्ड वेव आने वाली है, हमारे सारे वैज्ञानिक ये बात बोल रहे हैं कि तीसरी वेव जो आएगी वो और भयानक आएगी, पता नहीं कितने लोग उसके अंदर मरेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा उसका जो है असर होगा। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे देश के अंदर, उनको हम कैसे बचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है हम सब लोगों के लिए, सब सरकारों के लिए। जो लोग मर गए उनको बचाया जा सकता था, और जो लोग इस तीसरी वेव के अंदर मर सकते हैं उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ इसका एक ही जवाब था कि सबको वैक्सीनेशन दी जाती। मैं जब भी ये बात करता हूं लोग कहते हैं कि भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के वैक्सीनेशन नहीं दी।
जानबूझ के लोगों को मरवा दिया, ऐसी सरकार कौन होगी जो लोगों को मरवा देगी? आज इस ये सवाल गंभीर है और मुझे लगता है कि इस सवाल के ऊपर हम कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। और चाहे मैं मानता हूं कि सबको इस कोरोना के अंदर कष्ट हुआ है, लोग हर घर के मरे, चाहे आप किसी भी पार्टी को मानने वाले हों, चाहे आप कांग्रेस के वोटर हों, चाहे आप भाजपा के कट्टर समर्थक हों, हर घर में मृत्यु हो रही है, चाहे आप आम आदमी पार्टी वाले हों, सबको कष्ट हुआ है। सिर्फ कुछ गंभीर सवालों के ऊपर कुछ गंभीर डेटा हम आपके सामने रखना चाहते हैं और आप इसके बारे में सोचिएगा। अमरीका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश मई 2020 से, यानी कि आज से पूरा एक साल पहले से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उनसे वैक्सीन बनने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि आपकी इतनी करोड़ वैक्सीन हम खरीद लेंगे, इतनी मिलियन वैक्सीन हम खरीद लेंगे। हमारी केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? आज अगर मैं आपको अमेरिका के बारे में बताऊं, यूके के बारे में बताऊं, तो हर 100 में से 88 लोग यूके के अंदर वैक्सीन पा चुके हैं। अमेरिका के अंदर 100 में से 84 लोग वैक्सीन पा चुके हैं और हमारे देश भारत में मात्र 13 लोग, 100 में से 13 लोग वैक्सीन पाए हैं। मतलब आप 87 लोग, हर 100 में से 87 लोग वो हैं जो इस तीसरी वेव के अंदर पूरी तरीके से कोरोना ग्रसित होने के लिए वल्नरेबल है। अब सवाल ये आता है कि हमारे देश की सरकार ने देश में वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया या क्यों नहीं करवा पाए? आप किसी भी वैक्सीन की बात ले लें, किसी भी दवा की बात ले लें, हर तरीके की दवा, हर तरीके की वैक्सीन आपको काउंटर पर मिल जाती है, केमिस्ट से मिल जाती है। सरकार इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखती है। इस वैक्सीन के खेल के अंदर सरकार ने सिर्फ 2 कंपनियों को इजाजत दी कि वो देश के अंदर वैक्सीन बना के बेच सकते हैं। भारत बायोटेक कोवैक्सीन बेच सकती है, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बेच सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां जैसे फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुटनिक, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को देश में आने ही नहीं दिया। भारत की केंद्र सरकार ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों की वैक्सीन को देश में लगने की अप्रूवल ही नहीं दी, इनको इजाजत ही नहीं दी। सिर्फ 2 कंपनियों को, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को इजाजत दी गई कि वे ही हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन लगा सकते हैं, उन्हीं की वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर लग सकती है। फाइजर 85 देशों के अंदर फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है, हिंदुस्तान ने अभी तक इसको इजाजत नहीं दी। मॉडर्ना 46 देशों के अंदर यह वैक्सीन लगाई जा रही है, हिंदुस्तान ने इसको इजाजत नहीं दी। जॉनसन एंड जॉनसन 41 देशों के अंदर इसकी वैक्सीन लगाई जा रही है, हिंदुस्तान में इसको इजाजत नहीं दी गई है। क्यों? ताकि सिर्फ ये 2 जो कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, ही हिंदुस्तान के अंदर मुनाफा कमा सकें, पैसा कमा सकें। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, 125 करोड़ लोगों का देश है। 125 करोड़ लोगों में से 96 करोड़ लोग वो हैं जो 18 से ऊपर है, जिनको वैक्सीन लगनी है। आप मान लीजिए 96 करोड़ लोगों की मार्केट भारत की केंद्र सरकार ने 2 लोगों के हवाले कर दी, 2 कंपनियों के हवाले कर दी कि ये इस पर मुनाफा कमाएंगे। और आज मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, मगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में फोन कर लें, प्राइवेट अस्पताल आपको 1200 रुपये में, कोई 1400 रुपये में आपको वैक्सीन दे रहा है। तो मोटे तौर पे माना जा सकता है कि एक वैक्सीन के ऊपर 1000 रुपये का मुनाफा कमाया जा रहा है। जो वैक्सीन 150 रुपये के अंदर केंद्र सरकार को दी जा रही है, 1200 रुपये में प्राइवेट अस्पताल में चल रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कम से कम 1000 रुपये का फायदा चलाया जा रहा है।
छियानवे करोड़ लोगों को 1000 दो बार आप वैक्सीन देंगे तो 96,000 करोड़ × 2 आधों को भी आप दें तो आप कम से कम 2 प्राइवेट कंपनियों को और इनसे मिले हुए लोगों को और इन अस्पतालों को करीब करीब 96,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देने के लिए आपने पूरा का पूरा जो खेल है वो रचा है। ये बहुत गंभीर डेटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग खुद अपने दिमाग में सोचिएगा कि जो दोस्त आपके आपसे बिछड़ गए, जो परिवार वाले आपके गुजर गए, जो भाई आपके नहीं रहे, जो बच्चे आपके नहीं रहे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उन लोगों की जानें बच सकती थी। और आज भी अगर केंद्र सरकार सचेत होके बड़े लेवल पे सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को देश में बुलाए तो जानें बच सकती हैं। आज एक बड़ा खेल किया जा रहा है। एक महीने पहले केंद्र सरकार ने एक झूठ फैलाना शुरू किया कि जिस राज्य सरकार को वैक्सीन चाहिए वो सीधा बाहर की कंपनियों से खरीद ले, ग्लोबल टेंडर डाल दे। सबको बेवकूफ बनाया केंद्र सरकार ने। कई राज्य सरकारों ने इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पत्राचार किया। दिल्ली सरकार ने मॉडर्ना से बात की, फाइजर से बात की, हमने पत्र लिखा, हमें उनका जवाब आया। महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर दिया, पंजाब सरकार ने ग्लोबल टेंडर किया और हर ग्लोबल टेंडर के अंदर यही बात निकल के आई कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, पहली बात तो इनको अभी तक भारत में इस्तेमाल होने की इजाजत केंद्र सरकार ने नहीं दी और ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से ही डील कर सकती हैं, सिर्फ केंद्र सरकार को ही ये वैक्सीन बेचेंगी। पूरे विश्व में हर केंद्र सरकार, हर राष्ट्रीय सरकार जो है वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने लोगों के लिए वैक्सीन खरीद रही है। आज से नहीं, मई 2020 से खरीद रही है। अपनी 85% आबादी को वैक्सीन लगा चुके हैं, हम मात्र 13% को लगा पाए हैं और अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने झूठ बोल के राज्यों के ऊपर अब आखिरी मौके पर डाल दी कि तुम ले लो भाई, सीधा ले लो। और वो बड़ी बड़ी कंपनियां, फाइजर मॉडर्ना जैसी कंपनियां बता रही हैं कि हम सिर्फ केंद्र को बेच सकते हैं, राज्यों को नहीं बेच सकते। क्या केंद्र को ये बात नहीं पता थी? केंद्र को ये बात पहले दिन से पता थी। केंद्र ने सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, पूरे देश को बेवकूफ बनाने के लिए, राज्य सरकारों को बेवकूफ बनाने के लिए, राज्य सरकारों को छोटा दिखाने के लिए, घटिया राजनीति के चलते उनको कहा कि आप लीजिए और आपका एक महीना बर्बाद हो गया। मैं केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूं, ये लोगों की मौत के साथ आप ना खेलें। आप अपनी जिम्मेदारी समझे, इन बड़ी बड़ी कंपनीज को तुरंत आप बुलाकर इनसे जितनी दवा खरीद सकते हैं, आप वैक्सीन खरीद सकते हैं, खरीदें और युद्ध स्तर पर आप लोगों को लगाएं। तीसरी वेव में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर करुणा होगा, उनकी मृत्यु ये देश सह नहीं पाएगा। ये बहुत बहुत जो है बड़ा डिजास्टर, बड़ी विपत्ति जो है देश पे आने वाली है। केंद्र सरकार मुझे लग रहा है जागे, वरना जो है बहुत बड़ा विनाश जो है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। धन्यवाद, जय हिंद। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, आप क्या तथ्य है और किस बेस पे आप ये सारी बातें कह रहे हैं? सीधे तथ्य मैंने आपको जितने भी तथ्य दिए वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में है। आपने जहां यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन जैसी जो कंट्रीज आती हैं, उन्होंने हर बड़ी कंपनी को बुलाया और उनसे जितनी वैक्सीन खरीदी जा सकती थी खरीदी। केंद्र सरकार ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की और जानबूझ के मात्र 2 कंपनियों को पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन करने के लिए कहा, उनको ही अप्रूवल दिया, जबकि ये जानते थे कि वो पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन समय पर नहीं दे पाएंगे। और उससे बड़ा धोखा ये किया कि करीब 6.8 मिलियन या 6.5 मिलियन के करीब वैक्सीनेशन देश से बाहर भेज दी गई और आपके घर के बच्चे, आपके देश के नौजवान, आपके देश के बुजुर्ग वैक्सीनेशन ना होने की वजह से मर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई जो है, कोई सबूत जो है किसी के आगे नहीं होगा। और ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। ये चीज़ आप प्राइवेट अस्पताल में जाके देखिए, 1200 रुपये के अंदर
आपको वैक्सीन मिल रहा है और आपको सरकारी जो आपके अस्पताल है उसके अंदर वैक्सीनेशन खत्म हो गया है।